हिमाचल प्रदेश की शिमला विधानसभा में बाल सत्र में भाग लेने वाली राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऊना की छात्रा सिमरप्रीत कौर को ऊना सदर से पूर्व कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा द्वारा स्कूल जाकर सम्मानित किया गया। पूर्व कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पहली बार इस प्रकार के बाल सत्र की शुरुआत की गई है, जिससे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस प्रकार के बाल सत्र का हर साल आयोजन किया जाए, जिससे बच्चों को पता चले कि विधानसभा के अंदर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, प्रदेश के हित और विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। बच्चों के लिए विधानसभा में जाकर बच्चों ने जिस तरीके से 68 MLA बनकर बालसभा ने वहाँ पे वो अपने जोहर दिखाए, और सबसे बड़ी बात है सीखने को बच्चों को बहुत कुछ मिला। और मैं CM साहब से ये गुजारिश भी करना चाहूँगा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि ये हर साल कम से कम साल में एक बार ऐसी बाल सभाएं जो है वो आयोजित की जाए अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि बच्चों का जो भविष्य है, जब बच्चों अपने भविष्य को उस रूप में भी देख सकें। जितने बच्चे आज जाकर आए हैं बाल सभा में, तो उन बच्चों के अंदर भी राजनीति के प्रति एक जो राजनीति कैसी होती है, किस तरीके से देश को चलाया जाता है, किस तरीके से हमारे विधानसभा के अंदर जो है लॉ जो कानून बनते हैं, इन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागती है, और इससे बच्चों के भविष्य में आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो मैंने उस बाल सत्र को देखा, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे सरकारी स्कूल की एक बिटिया जो है इसमें उसने एक MLA का तौर पे वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, तो मैंने सोचा कि मैं इस बच्ची को जाके सम्मानित करूँ, ताकि और बच्चों में भी ये भावना आए कि आगे बढ़ने के लिए यही एक वक्त है, जानने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और यही शिक्षा आने वाले दिनों में इन बच्चों के भविष्य को तय करेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल्स का, जिन्होंने इन बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, और ख़ास करके सरकारी स्कूलों का जो मान सम्मान बढ़ा है, तो मैं इन सब टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। चैनल के लिए ऊना से लक्की की रिपोर्ट।